आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है बक्सर से, जहां निर्माणाधीन पावर प्लांट पर स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर बक्सर से पीएचक्यू के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और 10 मारपीट जो हुई है उसमें 10 पुलिसकर्मी अभी तक घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और पूरे मामले की पुष्टि पीएचक्यू ने की है और इस पूरे मामले में धारा 147, 148, 149, 341 समेत कई धाराएं लगाई गई हैं और 24 नामजद और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर घटनास्थल पर डीआईजी, जिलाधिकारी और एसपी कैंप कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय का कहना है कि 1000 से अधिक लोगों ने हमला किया था, जिनकी पहचान की जा रही है। और अभी तक 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। और बताएं कि नाराज भीड़ ने 16 गाड़ियों में आग लगाई थी। ये बक्सर हंगामे का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। 1000 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया था। कई पुलिस को चोटें आई हैं, पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बक्सर के चौसा में जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। मामला चौसा में निर्माणाधीन एनटीपीसी प्लांट की जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है और मुआवजे की उचित राशि नहीं मिलने से लोग गुस्से में हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बक्सर में जमकर बवाल हुआ, लाठियां बरसी, पुलिस की सख्ती दिखी तो किसानों का गुस्सा भी फूटते दिखा। गाड़ियों में आग लगा दी गई, जमकर हो हंगामा हुआ। मामला जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़ा है, जिस पर खूब बवाल हुआ। गुस्साए किसानों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो जवाब में किसानों ने पुलिस पर पथराव के साथ ही लाठी डंडे से हमला कर दिया। दरअसल जिले के चौसा गांव के पास एनटीपीसी प्लांट का निर्माण हो रहा है। इसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन मुआवजे की उचित राशि नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने खूब बवाल काटा, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। बुधवार को भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था। दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी की पाइपलाइन जानी है और इसे लेकर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। हम जो है वहां से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए, वहां से देख रहे थे एक 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके, और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का उसको भी पकड़ लिए। और जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उस उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए, हमको भी मार दिया सब पीठ पे, यहाँ पे घाव लगा है, मेरे भाई को भी एक हाथ पे घाव लगा है उनका। उधर तिवारी जी के घर में भी घुस के सब मारपीट किए हैं सब। बक्सर में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस घर में घुसकर लोगों से अभद्र व्यवहार तो कर ही रही है, मारपीट भी की जा रही है। जिले के एसपी ने लोगों के आक्रोश को जल्द कंट्रोल करने का दावा किया है। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जिस चौसा एनटीपीसी प्लांट को लेकर हंगामा हो रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1320 मेगावाट के इस प्लांट की नींव 9 मार्च 2019 को रखी थी। एनटीपीसी प्लांट ग्रीन फील्ड सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बन रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। इसे केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद से बनाया जा रहा है। इस प्लांट से 9,828 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। करार के मुताबिक संयंत्र से उत्पादित बिजली का 85% हिस्सा बिहार को मिलेगा। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बक्सर के चौसा में आज हुए किसानों के प्रदर्शन और आगजनी की घटना के बाद मौके पर शाहबाद रेंज के डीआईजी पहुंचे हैं
और डीआईजी ने कहा कि कल जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस ग्रामीणों को पीट रही है, उन सारे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने बताया कि आज के हंगामे में जो भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो भी पुलिसकर्मी हैं वो पिटाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो जहां तक पत्थर चलाने की बात है, जो हमने थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि वो लोग गांव गए थे तो उनके ऊपर हमला किया गया था, उसी के बाद जो ये पिटाई का जो घटना हुई थी उसका वीडियो वायरल हुआ। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको पहले तो लाइन हाजिर किया जा रहा है और उनको निलंबन और विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण पूछ के फिर हम लोग कार्रवाई। बक्सर में जमीन मुआवजे पर पुलिस और पब्लिक आमने सामने दिखी। जहां पुलिस ने घरों में घुसकर लाठी चार्ज किया तो ग्रामीणों ने चौसा पावर प्लांट पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। अब इस मामले पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। वो समाधान नहीं हो, विध्वंस यात्रा पर निकले। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर की है। बक्सर में पुलिस की सख्ती दिखी तो किसानों का गुस्सा भी फूटते दिखा। गाड़ियों में आग लगा दी गई, जमकर हो हंगामा हुआ। बक्सर में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर छिड़े संग्राम ने जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। बक्सर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है। बक्सर की घटना पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे ने तो नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक कह डाला। ये बिहार के अंदर गुंडेगर्दी हुए और आज नीतीश कुमार धृतराष्ट्र कुमार बनकर के जगह जगह और कहते हैं हम समाधान यात्रा पर निकले। वो समाधान नहीं हो, विध्वंस यात्रा पर निकले। वो पूरे बिहार का जनाजा निकाल देंगे, उसके बाद बोलोगे क्या? लाठियां चल रही है, गोलियां बरसा रहे हो, गुंडागर्दी बढ़ी है, अब पुलिस के तांडव नृत्य बढ़ते हैं, तो ये कौन सा राज है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? ये जंगल राज में बिहार परिणत हो गया है और बिहार को जो बिहार के मुखिया है वो शांत धृतराष्ट्र कुमार बने हुए। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे के हमले का जवाब दिया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने कहा कि अगर पुलिस ने कुछ गलत किया है तो सरकार देखेगी, लेकिन अश्विनी चौबे को कैसे अपने संसदीय क्षेत्र की याद आ गई? लेकिन माननीय अश्विनी चौबे जी, आपको भी बक्सर का याद आ जाता है। आप बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद आपका कितने दिनों किस ब्लॉक में प्रवास हुआ है ये जनता नहीं जानती। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सवाल पर खुलकर बोलने से बचते दिखे। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, पता करते हैं क्या है मामला। ये क्या है? एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। जाड़ा का मौसम है, बिहार में सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन बक्सर में लाठियों की चटक और ग्रामीणों के गुस्से ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और बिहार से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। तो किसान पर लगातार जिस तरह की स्थिति नीतीश कुमार जी ने बना दी, 15 लाख बोरा होने के बावजूद नीतीश कुमार जी खाद नहीं बंटवा रहे, किसानों की समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं और जिनके जमीन के राशि नहीं मिले तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नीतीश कुमार की सरकार है। वो राशि तो उनको देना ही पड़ेगा और जिन लोगों ने, जिस भी पुलिस वाले ने इस तरह की लाठी की कार्रवाई की है, जरूर हम मांग करते हैं कि एक हाई लेवल की जांच हो और उस पर कार्रवाई। बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर सियासत तेज है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पर देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। वहीं बिहार सरकार ने इसके फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या है कास्ट सेंसस पर जारी सियासत के मायने, इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी है और राज्य सरकार से इसे लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। दरअसल बिहार में कास्ट सेंसस पर 6 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिहार में 2 फेज में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है, तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य पे रोक लगाने के लिए बिहार भारत के एक आम नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। CM ने कहा कि PIL समझ से परे है, कास्ट सेंसस से हर जाति की स्थिति बिहार में स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए सुविधा होगी। अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी क्या का फाइल कर रहा है, क्या उसको सेंस है, ये हमको समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज है। तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और जाति आधारित सेंसस कराए जाने के फायदे की बात कही। तेजस्वी ने कास्ट सेंसस नहीं कास्ट सर्वे की बात कही है। भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती, इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट पे सर्वे है, और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है। जातिगत जनगणना को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ ठहरता है कि कास्ट सेंसस के बहाने लोकसभा चुनाव से पहले क्यों जाति आधारित जनगणना की सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इशारों में जातिगत जनगणना पर सवाल उठा दिया। शिक्षा मंत्री ने बापू सभागार में NOU के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जातिवादी सोच से उठकर चलने की अपील की। जाति व्यवस्था पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के 195 देशों में केवल 5 या 6 देश में ही लोग जाति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद अपना नाम चंद्रशेखर लिखता हूं, नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखता। कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे सामने एक दर्पण है, आईना है। जाति दुनिया नहीं बनाती है, जाति नफरत बनाती है। भारत में, नेपाल में, मॉरिशस में, फिजी में, हो सकता है बांग्लादेश पाकिस्तान में, 195 देशों में मात्र 5-6 देश में इन जातियों का नाम लोग जानता है। फलाना वर्मा है, फलाना कुशवाहा है, फलाना रैदास है, फलाना राम है, फलाना पासवान है, फलाना छत्री है, फलाना पंडित है, फलाना सिंह है, फलाना शर्मा है। जीवन का इनकी अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूँ और चंद्रशेखर जब लिखता हूँ आगे ना कुछ है ना आगे कुछ नहीं। तो हम जब रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक PhD डिग्री चाहते थे चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं, तो दुख होता था यह जानते हुए। हम लोग को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंची कम है, इस पर प्रभु ने सुंदर भी सही शक्ल बनाया है, खराब नहीं है, जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, आगे तो आगे जानने की जरूरत नहीं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जो RJD कोटे से हटे हैं उनकी जगह किसी को शामिल किया जाएगा, कांग्रेस के लोग हैं उन्हें भी शामिल करना है। मंत्रिमंडल का ये फालतू से बात चलता है,
तब मान लीजिए दू गो जिनका हट गया वो बना देंगे, ये तो अलायंस है ना जी सात दलों का, तो उसमें तो तय है ना किसका कौन बनेगा, तो दो का उनका हट वही करेंगे, एकाद और जो है जो भी और देख दो है कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई सातों पार्टी की बात है, वो गलत फहमी है। और सीएम नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में उपेंद्र कुशवाहा की उपमुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग को खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि पता नहीं कहां से ऐसी बातें आई हैं। कोई हम देख रहे थे गुरुज की उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का, अरे वो तो पिछली बार दो उप मुख्यमंत्री वही लोग किए, अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे, हम तो बनना नहीं चाहते थे, बड़ी एकदम ही करके हमको कि नहीं आप बनिए, आ दू गो बनाए, उसके पहले तो एक ही था, ये कौन सा चीज है, काहे का ये सब चीज दिमाग में आता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईबी की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। सांसद चिराग पासवान अब जेड सिक्योरिटी पाने वाले लीडरों की कतार में खड़े हो गए हैं। जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी राम बिलास के चिराग पासवान को अब जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। हालांकि इस फैसले के पीछे कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के चलते भी ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये पुख्ता नहीं है। राजनेताओं और बड़े अधिकारियों की सेफ्टी को देखते हुए हमारे देश में चार तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जिसमें एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस कैटेगरी होती है। इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा जेड प्लस होती है। अब आपको हाई लेवल सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक्स सिक्योरिटी एक बेसिक प्रोटेक्शन है जो छोटे नेताओं या अभिनेताओं को भी दी जा सकती है। एस सिक्योरिटी में केवल दो सुरक्षाकर्मी होते हैं जिसमें कमांडो शामिल नहीं होता है। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिस भी शामिल हो सकता है। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वीआईपी लोगों को दी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं जिसमें एक या कभी कभी दो कमांडो और दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिस शामिल होते हैं। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दी जाती है जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 या 5 कमांडर भी शामिल किए जाते हैं। इस कैटेगरी की सुरक्षा में स्कॉट कार भी होती है। इसमें तैनात कमांडो के पास अब मशीन और आधुनिक संचार के साधन होते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी ज्यादातर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को मुहैया कराई जाती है, जिसमें 36 सुरक्षाकर्मी सेवा में तैनात किए जाते हैं, जिसमें एनएसजी के 10 कमांडोज भी शामिल हैं। इन कमांडोज को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाता है, जिसमें 3 घेरे में सुरक्षा की जाती है। पहले घेरे में एनएसजी सुरक्षा में लगाए जाते हैं, इसके बाद एसपीजी के अधिकारी तैनात किए जाते हैं और इसके साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम नीतीश कुमार ने मिथिलांचल को बड़ी सौगात दी। उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर के संग्राम गांव में मिथिला हाट का लोकार्पण किया और इस हाट के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। इस दौरान वे लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और अपनी मिथिलांचल यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के झंझारपुर के संग्राम में बने मिथिला हाट का लोकार्पण किया, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। ग्रामीण इलाके में बने इस हाट को देख एक बार की आपको यकीन नहीं होगा कि बिहार के ग्रामीण इलाके में ऐसा भी एक हाट बन सकता है। रात में रोशनी में नहाए मिथिला हाट की तस्वीर और भी मन को मोह लेती है। इस हाट में कई सुविधाएं हैं, जिसके सामने बड़े बड़े मॉल भी फेल हैं। मिथिला हाट में पेंटिंग और वस्त्र से लेकर मिथिला के व्यंजन तक एक जगह उपलब्ध होंगे। यही नहीं, पर्यटकों के लिए वोटिंग से लेकर घूमने के कई आकर्षक निर्माण कराए गए हैं।
और दिल्ली हाट की तर्ज पर ओपन थिएटर का भी निर्माण कराया गया है। इस हाट का सबसे बड़ा आकर्षण एक बड़ा तालाब है जो सालों भर पानी से भरा रहेगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सब कितना बढ़िया है, तो इसका मकसद यही है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को तो हो ही जाए सुविधा, लेकिन टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा। जब इतना अच्छा हो जाएगा कि बहुत तरह के लोग आएंगे सब कुछ देखने के लिए, तो यह अब जगह भी तो ऐसी है कि बहुत अच्छा है, लोग देखेंगे। तो इसको तो हम उस समय बता ही रहे थे आपको, एक बार जो वहां देखने आए और उसका तो हो ही गया, उसके अलावा सब था। पहले तो यही सब जो था इंस्टीट्यूशन वगैरह वही था, लेकिन उसके साथ साथ इतना बना दिए, यहीं पर का अपना ये लोग बनवाए, यही ना बनवाया, सारा ब्रिक यहीं का ईंटा है, यहीं का लोकली बना करके, यहीं से बना करके बनाया हो, ताकि इसी को सब दिन के लिए ऐसा ही रखेंगे, लेकिन देखें कि यहीं का लोग है। मिथिलांचल में मिथिला हाट का निर्माण एक बड़ा कदम है, जिससे स्थानीय कलाकारों और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस हाट में कई स्टॉल बनाए गए हैं, जिसमें स्थानीय लोग अपनी दुकान के जरिए जीवन बसर कर सकते हैं। हमारे जो ये यात्रा है ना, इस यात्रा का मतलब ही यही है। इस यात्रा से पहले जगतपुर गांव का बिल्कुल नरक स्थिति था, आज आपके आने से दो दिन पहले ये सब काम हुआ। बाकी जगह इस तरीका का काम बहुत ऐसे पड़ा हुआ है जो नरक में है, तो अगर आप इस तरीका घोषणा करते रहेंगे हर एक पंचायत में विजिट करने का, तो काम सुदृढ़ तरीका से चालू हो जाएगा। नहीं, वो तो कह दिया है, वो तो एक कहीं पर जाना है, लेकिन बाकी जगह के भी लोग आते हैं और उन सब चीजों को बताते हैं, और सारे अधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, एक एक चीज को आप देख लीजिए अब, और उसको आप देख करके हर चीज को जान लीजिए और उसको करना है। झंझारपुर में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी ओर से लगाए गए स्टॉल को देखा। मिथिला हाट की खूबसूरती इस दौरान देखते ही बढ़ रही थी। इस मिथिला हाट में आप मिथिलांचल के व्यंजनों का भी लुफ्त उठा सकते हैं। मधुबनी से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। दरभंगा में मोहम्मद चांद नाम के एक युवक ने मंदिर में घुसकर हिंदू देवता की प्रतिमा को खंडित कर आग लगा दी। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर इलाके का है, जहां मोहम्मद चांद ब्रह्मस्थान में घुसकर न सिर्फ मूर्ति को खंडित किया बल्कि पूजा सामग्री को आग के हवाले कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मोहम्मद चांद को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। पटना के वाल्मीकि चक ऑनलाइन सेंटर पर सीटेट परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों की मांग है कि दूसरी पाली की परीक्षा रद्द की जाए। परीक्षार्थियों का आरोप है कि एसएमसी सिस्टम केंद्र पर दोपहर 2:30 से 5 परीक्षाएं होनी थी, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से परीक्षा 4:30 बजे से शुरू हुई, जिससे छात्र प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए। अब परीक्षार्थी हंगामा कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। आगे देखिए जोहार, झारखंड।